जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। अलग अलग जनपदों से चोरी किए गए 11 वाहन बरामद, एक कटी हुई बाइक भी बरामद हुई। नंबर प्लेट और चैसिस नंबर बदल कर बेच देते थे चोरी किए हुए वाहन। बुलंदशहर के डीवाई कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। समाचार A to Z के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीती रात डिबाई कोतवाली के थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। दो मोटरसाइकिलों पर 4 अपराधी गुजर रहे थे और सूचना थी, उनको घेर घार के पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इनके पास जो दोनों मोटरसाइकिलें हैं ये चोरी की हैं। इनके पूछताछ के आधार पर और इनकी निशानदेही पर कुल 10 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलों के चेसिस और इंजन अलग से कटे हुए पार्ट्स मिले। इनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इस गैंग का लीडर राजू, जिसके विरुद्ध पूर्व में 11 मुकदमे दर्ज रहे हैं, अलीगढ़ का रहने वाला है, बरला थाना क्षेत्र का, और दूसरा इसका जो सक्रिय सहयोगी है भरत सिंह, ये भी अकराबाद थाना क्षेत्र अलीगढ़ का रहने वाला है। गिरफ्तार ये 4 अपराधी में से 1 रामघाट बुलंदशहर का है, शेष 3 अलीगढ़ के हैं। इसके अतिरिक्त इनसे प्राप्त सूचना के आधार पर 2 मिस्त्रियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इनकी गाड़ियों को काटकर उसके पार्ट्स बेचने का काम करते थे, वो भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अतरौली थाना क्षेत्र के जिरौली में उनकी दुकान है। तो इस तरह कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 10 मोटरसाइकिल सबूत पूरी तरह से सुसज्जित अवस्था में बरामद हुई है। 2 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। सर, कहीं पहले भी जेल जा चुके हैं? हाँ, इनका जो गैंग लीडर राजू है, इसके विरुद्ध 11 मुकदमे पूर्व से लंबित हैं और भरत सिंह के विरुद्ध 6 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ये अलग हैं। उल्लेखनीय बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो इनमें से 4 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो चुकी हैं, 2 अलीगढ़ जनपद से चोरी की हैं जिनके मुकदमे दर्ज हैं, 1 थाना डिवाई क्षेत्र से चोरी की है, इसका भी पूर्व से मुकदमा दर्ज है, 1 मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। तो इस तरह शेष जो बची मोटरसाइकिलें हैं उनकी बारे में हम लोग उनके कनेक्टिविटी के बारे में कि वो किस थाना क्षेत्र से चोरी की गई है, जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर।